हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का SN एजुकेशन क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस बार वीडियो अपलोड करने में काफ़ी वक्त लग गई है, क्योंकि कुछ रीज़न की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी आउटसाइड होने की वजह से। बट इस बार मैं काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो आज मैं इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाली हूँ, तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ हिंदी ग्रामर यानी कि व्याकरण के चैप्टर्स। आप लोगों को हिंदी ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है ये मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। अब आप लोग पूछोगे ये किस क्लासेस के लिए है, कौन सी बोर्ड के लिए है, तो सारा चीज़ मैं वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, स्किप मत करना, क्योंकि बीच बीच में मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ, अगर आप लोग स्किप करोगे तो वो छूट जाएंगे, ठीक है? तो आप लोग एंड तक वीडियो ज़रूर देखना। तो ये किस क्लासेस के लिए, तो ये आप लोग चाहे 9th में हो, 10th में हो, आप लोग किसी भी क्लासेस में हो, 11th 12th, ये सारे क्लासेस के लिए हैं। एंड CBSE बिहार बोर्ड सभी बोर्ड के लिए हैं। आप लोगों का कोई भी बोर्ड हो, सारे बोर्ड के हिंदी ग्रामर इंग्लिश ग्रामर जो होते हैं सेम होते हैं, तो ये सारे बोर्ड्स के लिए हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सिलेबस है, ये है व्याकरण का सिलेबस। तो आप लोगों को व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है, हिंदी ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है, तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग भाषा लिपि और व्याकरण, ठीक है? यहाँ पर दिख रहा है आप लोग को भाषा लिपि और व्याकरण। अब ये मैं कैसे पढ़ाऊँगी, तो आप लोगों को सबकी सेपरेट वीडियो मिलेगी, यानी कि भाषा में आप लोगों को एक वीडियो में पढ़ाऊंगी, ठीक है? इसके आप लोगों को लेक्चर्स मिल जाएंगे, सिर्फ भाषा एक वीडियोस में रहेंगे, ठीक है? भाषा किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं, ये सब मैं सिंगल वीडियो में कवर करूंगी। उसके बाद मैं दूसरी वीडियो में लिपि पढ़ाऊँगी, फिर व्याकरण पढ़ाऊँगी, ठीक है? इस तरह से वीडियोज़ आएंगे, फिर वर्ण विचार दूसरे वीडियो में, फिर दूसरी वीडियो आएंगी उसके शब्द विचार की, ठीक है? इस तरह से वीडियोज़ आएगी। इतना क्लियर हो गया किस तरह से वीडियो आएंगे, सबके सिंगल सिंगल वीडियो आएंगे, और आप लोगों को PDF भी उसमें मिल जाएगा, ठीक है? मैं लेक्चर जो जो आप लोगों को लेक्चर में जो भी पढ़ाऊंगी उसका PDF आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी। और अगर आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं दे दूँगी। तो चलो और भी देखती हूँ और क्या क्या आप लोगों को व्याकरण में पढ़ना है। तो सबसे पहले पढ़ना था भाषा लिपि और व्याकरण। जब तक आप लोगों को पूरा सिलेबस पता नहीं होगा व्याकरण में क्या पढ़ना है, तब तक आप लोग शुरू कैसे करोगे? जब तक आप लोगों को सिलेबस नहीं मालूम होगा आप लोग पढ़ोगे क्या? तो इस वीडियो में मैं पूरा सिलेबस बताऊँगी, उसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें मैं आप लोगों को पूरा चैप्टर्स पढ़ाऊँगी, ठीक है? तो यहाँ पर है पहला चैप्टर भाषा लिपि और व्याकरण। अब जैसे आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे सबसे पहले भाषा है, उसके बाद वर्ण विचार, शब्द विचार, फिर आप लोग देख सकते हो जैसे जैसे लाइन बाय लाइन दिया हुआ है संधि और समास, संज्ञा। तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही आएंगे लाइन बाय लाइन, आगे पीछे हो सकता है। पहले मैं आप लोगों को संज्ञा पढ़ा दूँ, उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखो वचन पहले पढ़ा दूँ, उसके बाद लिंक पढ़ाऊँ, तो ऊपर नीचे हो जाएगा, वो आप लोग मैनेज कर लेना। बट यहाँ पर सिर्फ मैं सिलेबस बता रही हूँ, ओके? तो चलो अब यहाँ पर आप लोग देखो, सेकेंड है वर्ण विचार, जिसे इंग्लिश में फोनोलॉजी कहते हैं। तो आप लोगों को पता ही है मैं आप लोगों को हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर दोनों पढ़ाऊंगी अपने चैनल पे। तो ये आप लोगों को हिंदी ग्रामर में जो वर्ण विचार पढ़ने को आप लोगों को मिलेगा, तो वो इंग्लिश ग्रामर में भी पढ़ाऊंगी, ठीक है? अगर आप लोगों को इंग्लिश में समझ में नहीं आएगा तो आप हिंदी में भी देख लेना, दोनों में मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी। फिर शब्द विचार, फिर शब्द निर्माण, फिर देखो दूसरा जो है उपसर्ग एवं प्रत्यय, जिसे इंग्लिश में प्रीफिक्स एंड सफिक्स कहते हैं। आप लोग ने पढ़ा भी होगा इंग्लिश में, आप लोग अगर कनेक्ट करोगे इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर दोनों चीज़ सेम है, बस भाषा अलग है, लैंग्वेज जो है वो अलग है, लेकिन जो पढ़ना है वो सब सेम ही है, ठीक है? आप लोग अब इंग्लिश ग्रामर में प्रीफिक्स एंड सफिक्स पढ़ लिए, अब हिंदी ग्रामर में आप लोग उपसर्ग एवं प्रत्यय, उपसर्ग प्रत्यय पढ़े तो दूसरा चीज़ तो नहीं हो जाएगा ना, बस लैंग्वेज चेंज होगा, ठीक है? और सब कुछ सेम ही रहेगा। उसके बाद देखो संधि और समास आप लोगों को पढ़ना है, फिर संज्ञा आप लोगों को पढ़ना है, संज्ञा के विकार पढ़ना है, फिर आप लोगों को लिंग पढ़ना है, वचन पढ़ना है, कारक पढ़ना है, स्वरनाम पढ़ना है, विशेषण पढ़ना है। आप लोग देख लो, ये सब आप लोग का सिलेबस है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन इसका PDF मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। फिर देखो विशेषण के बाद क्रिया, काल, वाच्य, फिर आगे आप लोग देखो स्वरनाम पढ़ना है,
जिसे इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउन कहते हैं, विशेषण जिसे एडजेक्टिव कहते हैं, क्रिया पढ़ना है, काल पढ़ना है, वाच्य पढ़ना है। आप लोग देखो इसका इंग्लिश भी दिया हुआ है। क्रिया समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग देख लो उसका इंग्लिश क्या होता है, वर्ब होता है, तो उससे आप लोग रिलेट करके पढ़ सकते हो। फिर यहाँ पे देखो अविकारी शब्द, वाक्य, फिर आप लोग को और क्या पढ़ना है तो विलोम शब्द पढ़ना है, पर्यायवाची शब्द पढ़ना है, अनेकार्थी शब्द पढ़ना है, एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द पढ़ना है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये सब आप लोगों को पढ़ना है। अब नीचे यहाँ पे आप लोग देखो वाक्य शोधन, अलंकार भी पढ़ना है, मुहावरा भी पढ़ना है, आइटम्स एंड प्रोवर्ब्स, ये सब आप लोगों को पढ़ना है। तो ये था सिलेबस, ठीक है, व्याकरण हिंदी ग्रामर में आप लोग क्या पढ़ना, ये था सिलेबस। अब आप लोग चाहो तो मेरे चैनल पे से भी पढ़ सकते हो। मेल ने आपको जानना था व्याकरण में पढ़ना क्या है, तो वो मैं आप लोग को बता दी हूँ। आप लोग चाहो तो मेरे चैनल पे पढ़ सकते हो, नहीं तो और भी बहुत सारे चैनल आप लोग को जहाँ आप लोग को समझ में आ रहा है वहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो। अब इसकी वीडियो कब आएगी, तो आज मैं ये वीडियोज़ अपलोड करूँगी, इसके बाद आप लोगों को डे बाई डे आप लोगों को वीडियोस मिलेंगे, जैसा कि मैं टाइम टेबल आप लोगों को शेड्यूल अपलोड की थी। अभी फ़िलहाल में जो वीडियो मैं अपलोड की थी तो उसमें टाइमिंग मैं बताई थी आप लोगों को, किस टाइम पे वीडियोस आएंगे, कौन से डे कौन सा सब्जेक्ट का वीडियो मैं डालूंगी, सब कुछ मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। तो आप लोग चैनल पर बने रहना, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, उस पर अच्छे अच्छे वीडियोज़ आते हैं, आप लोग के एग्ज़ाम से रिलेटेड आते हैं, आप लोग को मैं गाइड करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, PDF देती हूँ। सो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी कर लेना, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। सब कुछ आप लोगों को समझ में आया नहीं आया अगर तो आप लोग कमेंट करो, आया तो बहुत बढ़िया, ठीक है। फिर मिलूंगी दूसरे वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें।